सो गाइस, अगर आपके पास R15 है तो फिर आपको शायद ये प्रॉब्लम हुई होगी या फिर हो सकती है। ये जो हमारा वाइज़र है जो मैंने चेंज किया था, रुक रुक फोकस ले ले यार। तो यहाँ पे ये नट लगते हैं, तो ये प्लास्टिक के बहुत चीप क्वालिटी के नट्स होते हैं। तो जब भी हम टाइट करने जाते हैं या फिर चेंज करने जाके, जो कि मैंने ये चेंज किया था, तो कभी कभी टाइट करते समय ये इससे टूट जाते हैं या फिर ये जो मुँह है इसका ये घिस जाता है यहाँ पर। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन मतलब ढूंढने को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बहुत, जो कि मुझे हुआ। मैंने बस एक वीडियो में देखा था कि इसमें मेटल के नट्स भी आते हैं जो इससे अटका सकते हैं इसमें, तो वो कौन से मुझे पता नहीं था, किस बाइक के है वह या फिर कहाँ से मैं लाऊँ, कितने नंबर का नट्स है, तो मुझे ये नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बहुत ढूंढा और मुझे मिल गया, और आज मैं इस वीडियो में सब बताऊँगा आपको, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो और आप उसकी जगह मतलब इस चीप क्वालिटी की प्लास्टिक के नट के जगह मेटल का नट यूज़ कर सको। और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 60 रुपये एक नट के लिए, 60 रुपीज़ इस एक के लिए, जो कि बस दो बार तीन बार खोला है मैंने, और ये देख सकते हो घिस चुका है पूरा, खुलता भी नहीं है ठीक से, मुश्किल से खोला मैंने। और सो गाइस, दिस यही वो नट्स है, ये है बजाज पल्सर के। मैंने तो जाके बोला था कि 150cc के जो पल्सर बाइक्स होते हैं उसका जो सामने वाला वाइज़र होता है ना, उसका ही नट है ये। ये देखने में थोड़े छोटे लगेंगे आपके प्लास्टिक के नट से, बट ये सेट खा जाते हैं। मैंने एक करके देखा था, अभी मैं चारों के चारों इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो छोटा होता है थोड़ा, बस थोड़ा पुश करके लगाने पड़ता है, बट लग जाता है ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक के दाम है 5 रुपये, मतलब ये 20 रुपये का नट हुआ। और वो जो ब्लैक वाला है, जो हमारे यामाहा के प्लास्टिक के, लुको भी दिखाता हूँ, तो ये वाले जो नट है वो 160 रुपीज़ के, मतलब आप हिसाब लगा दो कि कितने रुपए हफ्ते बच रहे हैं, और वो भी अच्छे के लिए बच रहे हैं, वो ख़राब भी नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि स्टील के हैं। ओके, सो अब बढ़िया इंस्टॉल करने के, तो देखते हैं एक एक करके करते हैं इंस्टॉल। सो ये देखिए, इंस्टॉल कर दिया है मैंने ये चारों के चारों नट्स। वीडियो इसलिए नहीं बना क्योंकि अकेला इसको इंस्टॉल करना और वीडियो करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, तो कर दिया है, आप देख सकते हो। ये देखो, वही पल्सर 150 के नट से, शायद 150 125 या फिर शायद बाकी बाइक्स में सेम नट ही लगते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने यही बोल के लिया था इसलिए बता दिया आपको। और ये देखो, यहाँ पे ये पीछे से भी निकल जाते हैं, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं यार, फोकस ले ले। ये देखो, ये पीछे से भी निकल जाता है, तो पूरा अच्छे से फिटिंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी स्टडी है, हिलने वाला है नहीं, जब जितने बार चाहूँ मैं इसको खोल सकता हूँ, टाइट कर सकता हूँ, नहीं जंग लगेगा नहीं कुछ होगा, शायद स्टील का होता है इसलिए पता नहीं ठीक से, पर प्लास्टिक से अच्छा है कम कॉस्ट में। सो यही था इसका वीडियो, और ये रही अपनी ज़ारा, तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।